हरियाणा में होने जा रहे विधानसभा चुनावों के प्रचार के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज रेवाड़ी पहुंचे। अमित शाह ने अहिरवाल की धरती से न केवल सियासी हवा को बदलने का काम किया बल्कि जोरदार हुंकार भरते हुए कहा कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। साथ ही अमित शाह ने यह भी कहा कि तीसरी बार भाजपा की सरकार बनने के बाद रेवाड़ी में विकास की झड़ी लगा दी जाएगी। अमित शाह ने रेवाड़ी की जनता से तीनों सीटों पर कमल खिलाने की अपील की। वहीं साथ ही साथ अमित शाह ने अहिरवाल यानी दक्षिण हरियाणा में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का दबदबा भी माना। तो आइए आपको सुनाते हैं अमित शाह ने और क्या कुछ कहा। भाइयों बहनों, आज हमने मैं यहां की बात करूं, हरियाणा सुपर 100 के नए कैंपस का शिलान्यास हमने यहां किया, ये राव साहब का बड़ा दबदबा है। एम्स रेवाड़ी में लाने में राव साहब का बड़ा रोल है। 1650 करोड़ का एम्स रेवाड़ी में लाए। रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, भिवानी, झज्जर, मेवात, पलवल, फरीदाबाद, ये सभी जिलों को इसका फायदा मिलेगा। पश्चिम डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर 360 किलोमीटर लंबे रेल खंड का किशनगढ़ बालावास रेवाड़ी के बीच में मदार से लेकर इसका ट्रायल पूरा हो चुका है। किशनगढ़ सहित 6 क्रॉसिंग स्टेशन और नए फ्रेट स्टेशन लगेंगे जिससे उद्योग बढ़ेगा। 800 करोड़ से नेशनल हाईवे 71 बावड़ दिल्ली जयपुर को बनाने का काम किया। देश की सबसे अब अगर हम सरकार में आते हैं, आप आशीर्वाद दोगे या नहीं दोगे? पक्का दोगे ना? तो भाजपा सरकार बनने के बाद रेवाड़ी में सबसे बड़ी सरसों तेल की कोऑपरेटिव फैक्ट्री डालने का काम भारतीय जनता पार्टी, राव तुलाराम से लेकर अभी तक जितने भी शहीद हुए हैं वो आजादी के मतवालों के लिए सैन्य संग्रहालय हमारे रेवाड़ी में बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी। एक विश्वकर्मा महाविद्यालय बनाएंगे और पहले 6 महीने में रेवाड़ी में नया मेडिकल कॉलेज की शुरुआत भी भारतीय जनता पार्टी करेगी। हर गांव में महिला चौपाल बनाएंगे, दंगल के लिए अखाड़ा बनाएंगे, ओलंपिक खेल नर्सरी बनाएंगे और एक अत्याधुनिक 2500 की कैपेसिटी वाला बड़ा सभागार बनाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी करेगी। लाडो लक्ष्मी योजना के तहत हरियाणा की हर महिला को 2100 रुपये का चेक हर महीने भेजा जाएगा। आईएमटी खरखोदा की तर्ज पर रेवाड़ी में भी औद्योगिक शहर बनाया जाएगा। अब तक मोदी जी 5 लाख रुपया आयुष्मान भारत योजना में देते हैं, सरकार बनने के बाद 5 लाख की जगह 10 लाख तक का इलाज फ्री हो जाएगा और जो बुजुर्ग है उनके लिए 5 लाख एक्स्ट्रा दिया जाएगा। 24 फसलों को खरीदने का हम चालू करेंगे। 5 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, अप्रेंटिस को स्टाइपेंड देंगे और गरीबों के लिए 5 लाख आवास बनाएंगे। सभी सरकारी अस्पतालों में डायलिसिस फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे और सभी माताओं को 500 रुपये में गैस का सिलेंडर देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाइयों बहनों, 36 बिरादरियों के विकास के लिए अलग अलग कल्याण बोर्ड बनाएंगे और दक्षिण हरियाणा में एक अरावली जंगल सफारी पार्क बनाकर यहां पर टूरिज्म भी बढ़ाएंगे। भाइयों बहनों, ये कांग्रेस पार्टी हरियाणा का सम विकास नहीं कर सकती। जब जब कांग्रेस जीत कर आती है
कुछ जिलों का विकास हो। और हमारे अहिरवाल को तो ये बेल्ट को तो हमेशा अन्याय होता है या नहीं होता है? अरे जोर से बोलो, होता है या नहीं होता है? भाइयों बहनों, आज रेवाड़ी में मैं आपको कहने आया हूं, मैंने आते आते कुछ पर्दे पोस्टर देखे, कुछ लोग पार्टी की डिसिप्लिन तोड़कर निर्दल खड़े हैं। मैं रेवाड़ी की जनता को अपील करने आया हूं, जिनके पास कमल फूल का निशान है उनको ही वोट दीजिए, वो ही भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी है। मैं आज सभी संगठन के लोगों से भी बात करने वाला हूं, एकमुश्त होकर, एकजुट होकर नरेंद्र मोदी जी का हाथ मजबूत करना है। भाइयों बहनों, ये तीनों सीटें आप भाजपा की झोली में डाल दीजिए, हरियाणा में भाजपा की सरकार बनने जा रही है, भाजपा की सरकार। मुझे बताओ भाई रेवाड़ी वालों, कमल के निशान पर बटन दबाओगे क्या? अरे क्या होगा भाई यादवों की आवाज को, ऐसा नहीं होता। जोर से बोले, कमल के निशान पर बटन दबाओगे क्या? तीनों प्रत्याशियों को जिताओगे क्या? भाजपा सरकार बनाओगे क्या? मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे क्या? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मीठी मुट्ठी भींच कर बोलिए जय श्री राम, जय जय श्री राम, भारत माता की।